हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस 21 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 21 मई यानी कि आज की यहाँ पे टॉप 10 करंट अफेयर जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ये वीडियो तो। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से डाउनलोड करके जब भी आपको समय मिले तब आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं मॉर्निंग में कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो की PDF यहाँ पे नीचे जो शेयर का बटन है उस पर क्लिक करके शेयर करेंगे तो एक लिंक आ जाएगा, उसको उठा के आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। अब देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा सरकार के किस ऐप के द्वारा लोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं? तो यहाँ पे त्रिपुरा सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे वहाँ के लोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों के जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। उसका नाम है जागृत त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, जागृत त्रिपुरा नामक ऐप यहाँ पे त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है, नाम याद रखिएगा जागृत त्रिपुरा। वर्तमान में ऐप ने 102 योजनाओं को सूचीबद्ध किया है और राज्य सरकार ने इसे 300 से अधिक करने की योजना बनाई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जागृति त्रिपुरा ऐप पे 102 योजनाएं लिस्ट हो चुकी हैं और जो त्रिपुरा की राज्य सरकार है वो यहाँ पे इस ऐप के अंदर 300 से अधिक जो यहाँ पे ऐप के अंदर योजनाएं हैं उसको लिस्ट करने की, सूचीबद्ध करने की योजना बनाई हुई है। कोई व्यक्ति ऐप में किसी विशेष योजना के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकता है कि अगर उस योजना के लिए वो पात्र है कि नहीं है, क्योंकि अभी इस समय बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं रहता, वो आती हैं उसका लाभ बिना उठाए वो चली जाती हैं। तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा त्रिपुरा के लोगों को, वो वहाँ पे जाएंगे और जो योजना है उसके अंदर उनकी पात्रता है कि नहीं, उस योजना के लिए वो पात्र हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देब और राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर है रमेश बैस। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रक्रिया प्रणाली शुरू की है? तो IDBI बैंक है, इसने यहाँ पे डिजिटल ऋण प्रक्रिया यहाँ पे प्रणाली शुरू की है। बैंक ने अपने MSME जो उनका स्मॉल स्केल का जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल का जो यहाँ पे ऋण प्रक्रिया इसको देंगे और कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की गई है इसके द्वारा। किसके द्वारा? IDBI बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, यहाँ पे IDBI बैंक ने डिजिटल ऋण प्रक्रिया शुरू की है। तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रक्रिया शुरू की है यहाँ पे जल्दी ही, तो IDBI बैंक है, इसने यहाँ पे शुरू की है। यह नई ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा फिनटेक ब्यूरो सत्यापन दस्तावेज भंडारण पुनः प्राप्ति खाता खोलने प्रबंधन के समेकित रूप से एकीकृत होगी, यानी कि सभी चीज़ों का यहाँ पे एकीकरण होगा। चाहे वो आपका कोई भी आपको सत्यापन कराना हो, दस्तावेज को रखना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे आप कर सकते हैं। IDBI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, मुख्यालय मुंबई में है IDBI बैंक का और अध्यक्ष हैं IDBI बैंक के प्रेजेंट टाइम में MR कुमार और MD CEO हैं राकेश शर्मा जी। ठीक, तो IDBI बैंक के यहाँ पे MD और CEO का नाम है राकेश शर्मा, अध्यक्ष हैं MR कुमार। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व एनएसजी महानिदेशक का COVID-19 के कारण निधन हो गया? तो ज्योति कृष्ण दत्त जी हैं जो हमारे पूर्व एनएसजी हैं, एनएसजी के महानिदेशक थे, इनका COVID-19 के कारण यहाँ पे हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है ज्योति कृष्ण दत्त। वे अगस्त 2006 से फरवरी 2010 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक थे। इन्होंने 2008 के जो मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान कमांडो फोर्स का नेतृत्व भी किया था। तो याद रखिएगा इनका नाम है ज्योति कृष्ण दत्त। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना हुई थी इसकी 22 सितंबर 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है
और प्रेजेंट टाइम में जो एनएसजी के महानिदेशक, उनका नाम है MA गणपति। ये मंत्र किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है एनएसजी? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। चौथा क्वेश्चन है, किसके द्वारा COVID-19 के लिए स्व उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा यहाँ पे एक किट को मंजूरी दी गई है, जो कि एंटीजन टेस्ट करेगा आप घर पे रह के उस किट के द्वारा अपना एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। कोविशेल्फ नामक स्वदेशी रूप से विकसित परीक्षण को पुणे स्थित स्टार्टअप माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा घरेलू परीक्षण के लिए बनाया गया है। यानी कि कोविशेल्फ नामक जो आपकी किट आ रही है एंटीजन टेस्ट के लिए, उसको आप घर पे ले जाके अपना कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। इसको बनाया है कोविशेल्फ नामक स्वदेशी रूप से विकसित, यहाँ पे कोविशेल्फ नामक इसकी दवा का नाम है, जो किट है इसको ना उसका नाम है कोविशेल्फ, और इसको बनाया है माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने, जो कि पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप है। किट का उपयोग केवल रोग सूचक व्यक्तियों और उन लोगों के लिए उचित है जो प्रयोगशाला परीक्षण किए गए कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए हैं। यानी कि जो आदमी COVID-19 के रोगियों के संपर्क में आया है, वो अगर अपना जांच करना चाहता है कि मुझे कोरोना है कि नहीं है, तो इस किट के द्वारा, किट का नाम है कोविशेल्फ, इसके द्वारा आप घर पे बैठे आराम से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ICMR का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है पहले ही, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना हुई थी 1911 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जब 1911 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था IRFA, और प्रेजेंट टाइम में ये ICMR के नाम से काम करता है। 1949 में इसका नाम बदल के ICMR कर दिया गया था। महानिदेशक है बलराम भार्गव। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने 1250 करोड़ रुपए की COVID-19 राहत पैकेज की यहाँ पे घोषणा की है? तो याद रखिएगा, 1250 करोड़ रुपए की यहाँ पे COVID-19 के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने। राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई आर वाला। तो कर्नाटक के बारे में आपने देख लिया होगा। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, अब तेलंगाना राज्य भी इसमें शामिल हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इनको KCR के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल हैं टी सौंदर राजन। इस संबंध में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसको देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को हुई थी, और बजट टोटल यहाँ पे खर्च किया गया है, अलॉट किया गया है 2021-22 के लिए 8,088 करोड़। मंत्रालय है किसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना कार्य करता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अगला क्वेश्चन है सातवां, GST की प्रतिपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि GST की प्रतिपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा है, हरियाणा यहाँ पे GST की प्रतिपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राजधानी है चंडीगढ़। राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं के लिए किए गए कोविड से संबंधित दान व पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर यानी कि GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी है। यह 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। ठीक, 30 जून 2021 तक ये लागू रहेगा। हरियाणा सरकार ने यहाँ पे किया है, देश का पहला राज्य बन गया है जो GST प्रतिपूर्ति करने वाला राज्य बना है। इसका उद्देश्य नियमों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और ऑक्सीजन संकेंद्रक जैसी वस्तुओं के दान की सुविधा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक यहाँ के हरियाणा के, और राज्यपाल हैं SN आर्य। आठवां क्वेश्चन है, वंदिता कौल को किस बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में शामिल किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया है BOI, यहाँ पे इनको वंदिता कौल जी को बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। वर्तमान में वंदिता कौल वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें MD और CEO अतनु कुमार दास, इसके 4 कार्यकारी निदेशक, सरकार और RBI से एक एक नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक शामिल है। बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था
7 सितंबर 1906 को हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी पद्मनाभन और MD CEO हैं अतनु कुमार दास। नवा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के कितने नए स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 100% आने वाले एग्जाम्स में ये 100% मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, आप याद रखिएगा। तो यूनेस्को है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इस प्रेजेंट टाइम में जो है उसको याद रखने की ज़रूरत होती है, पीछे जो थी उसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जब चीज़ें बदल जाती हैं तो आंसर भी चेंज हो जाता है। तो यूनेस्को है, यहाँ पे भारत के 6 नए स्थानों को अब विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की यहाँ पे घोषणा दे दी है। स्वीकृत किए गए जो नाम है वहाँ पे देख लीजिए, 6 नाम, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हीरे केम्बल महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला और जबलपुर का भेड़ाघाट लमेटा घाट। दो यहाँ पे हैं जो भेड़ाघाट और लमेटा घाट, ये जबलपुर का है। तो ये यहाँ पे 6 स्थल हैं जो कि अब विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 38 धरोहर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में की सूची में शामिल हैं। इसमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल तथा 1 मिश्रित स्थल शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक कचरे पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की है जिसने पॉलीमर प्लास्टिक कचरे पर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की की राजधानी है अंकारा, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण समूह ने विश्व की प्लास्टिक खपत और प्रभावी रिसाइकलिंग की कमी को सूचित किया है। मुद्रा है तुर्की की लीरा और राष्ट्रपति हैं रिसेप टेइप एर्डोगन। ठीक है, एर्डोगन से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में, जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहे हैं तुर्की के जो राष्ट्रपति जी हैं। इन्होंने इजराइल को सबक सिखाने की बात की है, इस बयान से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं पिछले 1 वीक में। तो इनको याद रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं तुर्की के, या फिर तुर्की के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो रिसेप टेइप एर्डोगन इनका नाम है। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर। अब समय आ गया है आज का प्रश्न देखने का, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आज का प्रश्न है, दुनिया के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में शीर्ष पर कौन है? ठीक, आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन पाता है इन चारों लोगों में से। अब समय आ गया है कल के प्रश्न का आंसर देखने का। कल का प्रश्न था, हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई है, इसको किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रही है दवा। DRDO को फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट लगा लीजिएगा। एंड ठीक है, 2DG यानी कि 2-deoxy-D-glucose दवा पाउडर के रूप में पाउच में आती है, जिसे पानी के साथ लेना होता है। यह वायरस के से संक्रमित कोशिकाओं को जमा देता है और वायरस के विकास को रोकता है। जब वायरस विकसित होने से रुक जाएंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा उसका इलाज करने के लिए। ठीक, DRDO की स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है, 1958 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो 1958 में यहाँ पे स्थापना की गई है DRDO की, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 58 होगा। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का, यहाँ पे आज की पूरी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों तक कोई भी गलत कंटेंट ना पहुँचे, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है, उसको क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, एक बेल आइकन आएगा यानी कि घंटी का निशान आएगा, नोटिफिकेशन बेल जिसको कहते हैं, तो उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।